नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। वहीं कुमार विश्वास ने सीएम केजरीवाल पर बड़ा निशाना साधते हुए कई ट्वीट भी किए हैं, जो हम आपको अभी बताएंगे। कुमार विश्वास ने पहला ट्वीट किया कि वो सोचता था कि इतने पराक्रमी पुरुषार्थ को देशभक्त बच्चों की भारत माँ कैसे हजार साल गुलाम रही। आज देखकर मैं समझ आ जाता है कि देश मरता हो तो मर जाए, पर कुछ नीचों को मजहबी तुष्टिकरण वाला वोट जुगाड़ू एजेंडा चाहिए। क्योंकि कुमार विश्वास काफी दर्द बयां भी कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन इलाके के अंदर एक साथ 25 लोग मरीज पाए जाए, और जिन्होंने बड़ी संख्या के अंदर जमात की थी, और जो विदेशों से आए हुए थे मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी थे, उन सभी अलग अलग राज्यों के अंदर फैल चुके हैं, और अब भारत के अंदर बड़ा खतरा भी मंडराना लग चुका है। वहीं कुमार विश्वास ने आगे एक और ट्वीट भी किया केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कि हजारों करोड़ों विज्ञापन देकर आप मीडिया को सुप करवा सकते हो, लेकिन नीचे स्वर दिन में चार चार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और 100 बार पैसे देकर एड के बहाने चेहरा भी दिखा देते हो लोगों पर। ईश्वर कभी तो तुम्हारे इस बेहिसाब पापों का हिसाब भी करेगा। भारत के अखंड तप का पुण्य काल दे ईश्वर और हमारे गरीबों को बचा ले। वहीं केजरीवाल पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आए कुमार विश्वास, क्योंकि वो पहले से ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भी रह चुके हैं। वहीं आप हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को